अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी समोसे सलवार कटिंग करने का तरीका, जो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही जल्द और आसानी से सीख जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताना शुरू करते हैं किस तरीक़ा से आप समोसे का डिज़ाइन कटिएगा। इसे हर वीडियो में हम आपको बताए हैं, अभी हम फिलहाल आपको पेपर पर ही बताएंगे। यहाँ देखिए, ऐसे फोल्ड कर लीजिए पेपर को, और इस कोने जो मुँह खुला हुआ है, ये कोने को आप यहाँ इसमें मिला दें। ये हो गया, इसे आप यहाँ से कटिंग कर लें। ये पेपर को काट के यहाँ से आप हटा दें। ये हो गया, आप देखिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ आपका लंबाई हो गया 13 इंच हो गया ये लंबाई। इधर भी नापेंगे तो इधर का भी आपको 12.5 इंच हुआ। तो चलिए ये मेरा लंबाई हो गया, समझ गए। अब देखिए, आप लोग हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, समझ में नहीं आता है कि आप आसन किधर से काटे, जिसमें आप रुमाली लगाइएगा वो आप कहाँ से कटिएगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप ऐसा करें, एक मुँह जो है यहाँ देखिए, ये तो इस टाइप से हो गया आ रहा। अब इसको दाहिने हाथ से ऐसे करके इधर सीधे सीधा कर लें। ये देखिए बिल्कुल मेरा सीधा हो गया। इस कोना को इधर छोड़ दे, एक कोना को आप नीचे कर दें, समझ गए दोस्तों। फिर से समझा रहे, एक कोना को आप ऊपर करें, एक ये इस कोने को आप नीचे छोड़ दें। आप कपड़ा पर भी ऐसे करिएगा। तो हो गया, समझ में आ गया होगा हम किस तरीक़ा से बता रहे हैं। आप देखिए, अब यहाँ 3 इंच आप ले लीजिए, ये आसन का दिख रहा है, ये 3 इंच आप आसन का ले लें। आप यहाँ से इसको कटिंग कर दें। ये देखिए हो गया आसन का, ये आसन का हो गया। अब क्या करें, अब इसे कपड़े को आहिस्ता से इधर कर दें, बामे हाथ में मामा सेट कर दें। अब यहाँ पर बस थोड़ा सा निशान लगा लें। ये हो गया, ये हो गया आपका। अगर आपका दिल चाहे तो नीचे से इसको काट के वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब ये जो कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा रहा, इसका आप ऊपर का नेफा बना लें। नेफा तो समझ भी करते होंगे आप लोग। तो देखिए, अब नेफा का ये चौड़ाई मेरा 4 इंच हो गया, और लंबाई हम 10 रखेंगे। अब 10 से यहाँ इसे कटिंग कर देंगे। ये मुँह ज्वाइंट है, इसे भी हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए, वो तो हर कपड़े को तो आप, अगर मुँह यहाँ खुला हुआ है तो उसे अब तो सीना ही पड़ेगा आपको। तो इस तरीका से यहाँ सिलाई लगा दें और यहाँ सिलाई लगा दें, बीच में थोड़ा सा जगह आपको इधर बता रहे हैं। एक तरफ ऐसे पूरे सिलाई कर दे, एक तरफ क्या करे, ऊपर थोड़ा सा सी के बीच में गैप कर दे नारा डालने के लिए, फिर यहाँ से यहाँ सिलाई कर दे। ये हो गया आपका। अब ये हम ले आए हैं समोसे का जो है। अब यहाँ पर ये मुँह ज्वाइंट है, इसे हम आराम से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, इसी आदमी कंफ्यूज हो जाती है कि दोनों तो एक ही रंग का हो गया, तो इसे हम किस तरीक़ा से करें। अब इसको हल्के से एक को निकाल ले इधर, और इधर एक को सेट कर ले। देखिए बहुत ही इजी तरीक़ा से है, बहुत ही आसान तरीका, सब सीख लीजिएगा। अब बच गया रुमाली, तो दोस्तों तो रुमाली तो सभी को आता है कटिंग करने, ये तो फिर मैं आपको बता ही देंगी। लीजिए बता दिए, रुमाली अपना काट ले। अब देखिए रुमाली हम आपको दिखलाते कितना इंच हुआ, ये 3.5 है, हो गया। आप रुमाली को यहाँ पर
इसमें अटैच कर दे, अब इसमें अटैच कर दे, देखिए हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ ये जो मुंह हो गया है ये दोनों सेट, अब इसे दिल चाहे तो काट दे दोनों से, वरना मत काटे। तो देखिए दोस्तों ये हो गया आपका समोसे का डिज़ाइन। तब चुन्नट भरने के लिए बात आ गया कि चुन्नट अब किस तरीका से भरे, कहाँ से भरे, कैसे भरे समझ में नहीं आता है, तो वो भी मैं आपको कपड़े पर सी के बताऊंगी कि चुन्नट कैसे कहाँ से भरना है। तो फिलहाल इसका चुन्नट तो इस सेट से भरा जाएगा, ये जो देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ से चुन्नट भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीका से आ गया डिज़ाइन इस सेट का, यहाँ पर तो यहाँ पर भी इसी टाइप से होगा। ये तो अभी हम चुन्नट नहीं दे रहे हैं, देखिए तो बिल्कुल हो गया ना समोसे का डिज़ाइन सलवार। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दिल हो तो।